क्या आपको स्कूल के साथ कोई और एजुकेशनल सपोर्ट भी था, कोई और गाइडेंस भी थी? जी श्योरली, बिकॉज जब मैं सेवन्थ क्लास में थी, एज सेवन्थ क्लास में हमारे आर्टिकल 370 का जब ये मसला हुआ था, सो एट दैट टाइम, उससे पहले भी मैं ट्यूशंस पढ़ती रहती थी इन्विकेशंस, बट उस वक्त मुझे लगा कि एक नेसेसिटी है, ज़रूरत है मुझे स्कूल के अलावा कहीं जाने की. सो एट दैट टाइम जो हमारे टीचर रुखसार सर हैं, रजा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे मैंने, हमें तो स्कूल में टीचर पढ़ाते थे, तो मैंने वो सुना और मैं वहाँ पे गई थी. एंड सेवन्थ मैंने वहीं पर पढ़ी. एट्थ के बाद तो लॉकडाउन से अप्लाई हो गया था, सो उस टाइम पे भी मैंने वहीं पे ट्यूशन पढ़ी, एट्थ में, नाइन्थ में. एंड मैंने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए. एट्थ स्टैंडर्ड में भी मैंने 100% स्कोर किए थे एंड नाइन्थ में भी 100%. एंड दिस क्रेडिट मैं ये क्रेडिट जो है अपने टीचर्स, अपने स्कूल के टीचर्स के साथ साथ अपने ट्यूशन टीचर को भी देना चाहूँगी, बिकॉज एक बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल है वो उन्होंने प्ले किया था. एंड टेंथ में भी भले ही स्कूल शुरू हो चुके थे, बट मेरे को नेसेसिटी लगी तो मैं गई. एंड मेरे स्कूल के टीचर्स के साथ साथ और मेरे ट्यूशन टीचर्स, एक टीचर नहीं है बल्कि मेरे ट्यूशन टीचर, एक इंस्टीट्यूट है कोचिंग इंस्टीट्यूट,